एक बार की बात है कि एक छोटी बच्ची और भगवान के बीच में खिलौनों को लेकर लड़ाई चल रही थी। दरअसल बात यह थी कि एक प्यारा सा टेडी बियर भगवान जी ने उससे ले लिया था। बोला, यह हमें दे दो, तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे खिलौनों से खेल लो, और साथ में ये भी बोला कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा बड़ा टेडी बियर है, बस मैं थोड़ी देर में तुम्हें दे दूंगा, जब तक पेशेंस रखो, थोड़ी देर दूसरे खिलौने से खेल लो। और वाकई में भगवान जी के पास उससे कहीं गुना सुंदर, कहीं गुना ज़्यादा बड़ा टेडी बियर था, जो उन्होंने अपनी पीठ के पीछे छुपा रखा था। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते, जो उन्हें पसंद आ गया तो वो चाहिए तो चाहिए, फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि किस में फ़ायदा है और किस में नहीं। क्या सेम एग्जैक्ट चीज़ हम भी अपनी लाइफ में नहीं करते? इतने बड़े होकर भी कभी कभी बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, रोते बिलखते हैं, समझ के भी नासमझ बनते हैं, कोई छोटा मोटा टारगेट सेट करते हैं, नहीं मिलता तो टूट जाते हैं, होप खत्म कर लेते हैं, सोचते हैं अब हमारी दुनिया खत्म हो गई है। हो सकता है जो तूने चुना था वो तेरे लायक ही ना हो, हो सकता है सही में भगवान ने तुम्हारे लिए उस बच्ची की तरह बड़ा टेडी बियर रख के बैठा हो, मींस कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी सक्सेस, बड़ा अचीवमेंट रख के बैठा हो तुम्हारे लिए, और बदले में थोड़ा सा पेशेंस और जरा सी और मेहनत चाह रहा हो तुमसे, बस, है ना। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी पर्पज से आया है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में असफल हुए तो दूसरे का दरवाज़ा बंद हो जाएंगे। बी पॉजिटिव, हैव पेशेंस, जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बड़ा वेट कर रहा है। देखो, सफलता हर किसी को चाहिए, लेकिन क्या इसकी कीमत चुकाने को हर कोई तैयार होता है? बिल्कुल नहीं। और जिसने भी इसकी कीमत चुकाई है ना, वो आज हर बड़े मुकाम पर बैठे हैं। तो धैर्य, मेहनत और लगातार परिश्रम, बस इतनी सी मांग है अपनी हर वो सफलता को हासिल करने की। तो आप खुद पर काम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने धैर्य को मजबूत बना सकते हैं, उसी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनमोल विचारों को जगह जगह से खोज कर लाया हूं मैं आपके लिए, जो आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। तो शुरुआत बड़ी ऊर्जा भरी लाइन से करूंगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। बुलंदियों की उड़ान में हो तो थोड़ा सब्र रख कर उड़ो, परिंदों का कहना है कि आसमान में ठिकाना नहीं होता। सब्र कर ऐ इंसान, ये परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे, आज जो तेरी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। वो शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है, किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दो चीज़ें आपको परिभाषित करती हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब सब कुछ है तब आपका रवैया। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दीबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। कहीं मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है कि यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, ना कि अंडे को तोड़ने से। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हों, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हों। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाई जाए। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही अपनी सफलता को पाने के लिए कड़ी मेहनत और जरा सा धैर्य जरूर बना के रखें, क्योंकि कुछ बड़ा जरूर इंतजार कर रहा है आपके लिए। और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।